चलिए देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या है। इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 10 वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शन, इट मे बी आइदर एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, इज अ सॉल्यूशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए अभी यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए पूछा, y डबल डैश माइनस y डैश इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू e रेस टू x प्लस 1, ये सॉल्यूशन है या नहीं है हमको चेक करना है। तो y इज इक्वल टू e रेस टू x प्लस 1, y डैश इज इक्वल टू डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इट इज e रेस टू x आएगा। y डबल डैश ले लीजिए, अगेन इट इज e रेस टू x, सो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड ले रखेंगे हम लोग y डबल डैश माइनस y डैश, व्हाट इज y डबल डैश, e रेस टू x माइनस e रेस टू x, दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू e रेस टू x प्लस 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ y डबल डैश माइनस y डैश इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए बच्चों देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस c, और यहां पे डिफरेंशियल इक्वेशन जो है हमारा y डैश माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू, तो ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है चेक करना है हमको। ओके, सो यू कैन चेक, तो डिफरेंशिएटिंग with respect to x बोल सकते हैं। So what is y dash is equal to 2x plus 2 आएगा, बराबर है 2x plus 2। तो बस हमें यहाँ y dash left hand side देखें, left hand side is equal to y dash minus 2x minus 2। What is y dash? That is 2x plus 2 minus 2x minus 2. This will get cancelled. So this is equal to 0, right hand side. So this implies y is equal to x square plus 2x plus c is the solution of given differential equation. So let us see one more. Look at this question. Y is equal to cos x plus c y dash plus sin x is equal to 0। अभी हमको क्या देखना है कि ये y is equal to cos x plus c इसका सॉल्यूशन है। निकालिए y dash is equal to minus sin x, c का डेरिवेटिव 0 है plus 0, तो therefore left hand side of differential equation y dash plus sin x, so what is y dash? Minus sin x plus sin x, so this is equal to 0 right hand side, so this implies y is equal to cos x plus c is the solution of given differential equation, yes and no बोल सकते हैं। ओके बच्चों, यहां पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, y इज इक्वल टू अंडर स्क्वायर रूट 1 प्लस x स्क्वायर, y डैश इज इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, सो लेट अस चेक वेदर दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सॉल्यूशन है या नहीं है ये हमको चेक करना है। यहाँ y डैश रखेंगे, y डैश निकालेंगे तो ये आना चाहिए ऐसा उसका मीनिंग है, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y डैश इज इक्वल टू व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ रूट x, क्या होता है बच्चों डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 अंडर स्क्वायर रूट 1 प्लस x स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, that is d dx of 1 plus x square,
So 1 upon 2 under square root 1 plus x square is the derivative of the question 2x. So this will get cancelled. Right. So here this is x upon 1 plus x square. Right. तो यहाँ देखिए बच्चों, इसको इस फॉर्म में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, या फिर हम लोग क्या करेंगे, दिस इज व्हाट वी कैन से दैट विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड बोल दीजिए, राइट. नाउ राइट हैंड साइड लेते हैं, आर एच एस इज इक्वल टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इनटू वाई. y बोले तो क्या है, अंडर स्क्वायर रूट 1 प्लस x स्क्वायर, राइट. सो दिस इज इक्वल टू x अपॉन, देखिए बच्चों, रूट x अपॉन x इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट x होता है. इसको इससे अगर डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन, इसको अगर कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा. तो विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, देखिए x अपॉन दिस इज x अपॉन अंडर स्क्वायर रूट 1 प्लस x स्क्वायर बच्चों, x अपॉन, ओके. तो LHS इज इक्वल टू RHS है. तो दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू अंडर स्क्वायर रूट 1 प्लस x स्क्वायर इज द सॉल्यूशन ऑफ given differential equation, right. Let's calculate one more. कौन सा calculate करते हैं बच्चों, sixth equal to x sin x है बच्चों, right. अभी हमको prove क्या करना है, x y dash is equal to ये prove करना है, right. तो हम लोग क्या करेंगे, इसे y dash निकालेंगे, y dash is equal to first function into derivative of second function plus second function into derivative of first. अभी हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई डैश. तो दिस इज एक्स इन ब्रैकेट एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बोल सकते हैं हम, राइट. अभी हम लोग राइट हैंड साइड लेते हैं, तो आर एच एस इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स अंडर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, राइट. सो व्हाट इज वाई, वाई बोले तो एक्स साइन एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. वाई स्क्वायर मीन्स क्या है बच्चों, ये एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स. सो दिस इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स बराबर है प्लस, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे बच्चों, बाहर आएगा तो ये एक्स हो जाएगा बराबर है. स्क्वायर रूट में क्या रहेगा, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स. तो आर एच एस इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर. सो वन अंडर स्क्वायर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स मीन्स व्हाट, कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स का रूट निकालेंगे तो कॉस एक्स. सो एक्स कॉमन साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स. तो देखिए बच्चों, यहाँ पे इक्वेशन वन बोल दीजिए और इक्वेशन टू. सो फ्रॉम वन एंड टू LHS is equal to RHSR. Brother, so this implies y is equal to x sin x is the solution of given differential equation. Okay. So let us solve one more question, bacho. We'll solve question number 5 here. Y is equal to a into x. X y dash is equal to y, where x is not equal to
सो लेट इज डिफरेंशिएट बच्चों, दिस इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, वाई डैश इज इक्वल टू ये आएगा बराबर। अब यहाँ पे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू एक्स वाई डैश, व्हाट इज एक्स इनटू ये आएगा, और राइट हैंड साइड देखिए बच्चों ये आर एच एस है, आर एच एस, आर एच एस इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू क्या है ये इसकी, तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, दिस इंप्लाइज वाई डैश वाई सॉरी वाई इज इक्वल टू डी एक्स इज द सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी, वाई डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स वाई, एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू वन। ठीक है, तो एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ वाई प्लस सी, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं बच्चों, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लेना पड़ेगा, फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इज व्हाट इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ लॉग वाई इज वन अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ सी इज जीरो, वी कैन से दैट, सो इट इज एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वन अपॉन y dy by dx is equal to dy by dx is equal to minus y right, इसमें से dy by dx कॉमन निकालेंगे, dy by dx कॉमन, तो ये आ जाएगा x minus 1 upon y is equal to minus y, dy by dx is equal to is xy minus 1 upon y is equal to minus 1. So dy by dx is equal to minus y square, देखिए y इधर है, upon xy minus 1. This is numerator minus y square upon minus common निकालिए यहाँ से minus 1 minus xy. So this is this will get cancelled. Y square upon 1 minus x square. That is dy by dx means y dash. Dekhi, y dash is equal to y square upon 1 minus xy. This implies xy is equal to log y plus c is the solution of given differential equation. ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, y माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स, ये सॉल्यूशन y साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डैश इज इक्वल टू तो यहां ये हम लोग विल चेक दिस नाउ, ओके, y माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स है बच्चों, तो इसको डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं, तो dy बाय डी एक्स माइनस कॉस वाई का डेरिवेटिव आएगा बच्चों माइनस साइन वाई, माइनस माइनस प्लस साइन वाई dy by dx is equal to 1, तो
डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल दीजिए, वन प्लस साइन वाई इज इक्वल टू वन आई, बराबर। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस साइन वाई, दिस इज नथिंग बट वाई डैश, राइट। सो लेट अस कैलकुलेट हियर, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू वाई साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डैश, बोले तो क्या है बच्चों, वन अपॉन वन प्लस साइन वाई। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करके बच्चों, तो वाई साइन वाई अपॉन वन प्लस साइन वाई प्लस, या हम लोग इसको क्या करेंगे, तो दिस इज नथिंग बट वाई साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स अपॉन वन प्लस साइन वाई आएगा, राइट। देखिए बच्चों यहाँ पे दिस इज इक्वल टू वाई प्लस साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स की वैल्यू रखेंगे बच्चों हम लोग, व्हाट इज एक्स, दैट इज वाई माइनस कॉस वाई, लिख सकते हैं यहां से। देखिए दिस कॉस वाई विल बी कैंसिल्ड, सो व्हाट विल बी दिस अपॉन वन प्लस साइन वाई वन प्लस साइन, तो वाई टेक आउट वाई कॉमन बच्चों, दिस इज साइन वाई प्लस वन अपॉन वन प्लस साइन वाई, सो दिस विल गेट कैंसल्ड, दिस इज इक्वल टू वाई विच इज राइट हैंड साइड, सो देयरफॉर दिस इंप्लाइज एज LHS इज इक्वल टू RHS, so this implies y minus cos y is equal to x is the solution of given differential equation. Let us solve question number 9, students. What is question number 9? X plus y is equal to tan inverse y. Y square y dash plus y square plus 1 is equal to 0. ये हमको प्रूव करना है कि ये इसका सॉल्यूशन है। तो x plus y is equal to tan inverse y. डिफरेंशिएट कर दीजिए बच्चों, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वन प्लस वाई डैश इज इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर, वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ वाई, दैट इज वाई डैश। तो दिस इंप्लाइज ये क्या हो जाएगा बच्चों, वाई डैश इज इक्वल टू वन प्लस वाई डैश इंटू वन प्लस वाई स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों, वन से मल्टीप्लाई करेंगे वन प्लस वाई डैश, वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू y dash, right? So this is y dash. So let us put value here, y dash. Y dash का value रखते हैं बच्चों. चलिए, left hand side, y square y dash plus y square plus 1. तो y स्क्वायर इंटू वाई डैश बोले तो क्या है, वन प्लस वाई डैश
plus y square. So यहाँ पर this y dash और ये y dash will get cancel है. यहाँ पर अगर उसको थोड़ा simple करते हैं तो देखिए 1 plus y square y dash y square. So we can say that this implies देखिए ये that is y square y dash plus y square plus 1 is equal to c. ये हम लोगों को equation मिले. So this implies x plus y is equal to tan inverse y is the solution of given differential equation. Y is equal to under square root a square minus x square. X belongs to minus a comma a. और हमको चेक करना है x plus y into dy by dx is equal to 0. So let us take बच्चों y is equal to under square root a square minus x square. Okay. Differentiating differentiating with respect to x करते हैं. बराबर. तो dy by dx is equal to इसका derivative क्या आएगा बच्चों 1 upon 2 times a square minus x square into d dx of a square minus x square. So this is equal to 1 upon 2 times under square root a square minus x square. Derivative of a square is 0. तो यह आएगा minus 2x. So this will get cancelled. So this is minus x upon under square root a square minus x square. So left hand side is equal to x plus y dy by dx. X plus y. Y का मतलब ये लेते हैं a square minus x square. dy by dx क्या आ गया बच्चों? Minus x upon under square root a square minus x. This will get cancelled. So x minus x, this is equal to 0, which is right. Right. देखिए. So this implies y is equal to under square root a square minus x square is the solution of given differential equation. Let's see question number 11. The number of arbitrary constants in the general solution of a differential equation of fourth order R. देखिए बच्चों, यहाँ पे बहुत ही important बात ये है कि arbitrary constants, the number of arbitrary constant in the general solution of a differential equation of fourth order. जितना order होगा, उतने उसके arbitrary constants होंगे. Answer will be 4. इसका order 4 है, उतने ही उसमें arbitrary constants रहेंगे. The number of arbitrary constants in the particular solution of a differential equation of third order. देखिए बच्चों, particular solution में कोई भी arbitrary constant नहीं आता है. There will be no arbitrary constant in particular solution. General solution of differential equation अगर है, तो जितना order है differential equation का, उतने arbitrary constants general solution में होते हैं. लेकिन particular solution में कोई भी arbitrary constant नहीं होता है. That means zero होता है. So, this is about exercise 8.2.